को भी लगता है कि चीन भारत पर हमला करने की सोच रहा है। चीन चालाक है, ऐसी गलती नहीं करेगा कभी। चीन आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं लड़ेगा। भारत को वो अच्छे से जानता है और 1965 के भारत और आज 2020 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये भी सच है कि बीते सालों में चीन ने जितनी तरक्की की उतनी हमारे देश में नहीं, पर ये भी पूरी दुनिया को अच्छे से पता है कि भारत देश आज हर तरह से अच्छा और शक्तिशाली है। हमने भी बीते सालों में खुद को बहुत मजबूत बना लिया है, इतना कि सीधी लड़ाई से लेकर कूटनीतिक तक में किसी को भी धूल में मिला सकते हैं। चीन दलाई लामा से लेकर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने से लेकर और भी कई सारी बड़ी वजह रहते हुए आज तक भारत से तकरार तो बहुत बार की है, पर जंग के हालात तक नहीं जाता। चीन का मकसद पूरी दुनिया पे राज करने का, अमेरिका के सुपर पावर वाली गद्दी पे उसकी नजरें हैं। उसका पूरा ध्यान अमेरिका के बर्बादी की तरफ है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक। तो रही बात भारत की, तो भारत से उसे भविष्य में खतरा है, क्योंकि भविष्य में चीन भारत दोनों देश सुपर पावर बनने के बड़े दावेदारों में से है। चीन भारत को सीधे ललकार के अपने घरेलू व्यापार को, जिसके लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है, उस बाजार को अपने से दूर नहीं करना चाहता है। इसलिए चीन भारत से सीधी टकराव नहीं चाहता है। वो जानता है कि भारत ने अगर चीनी सामानों पर पाबंदी लगाना शुरू की तो उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो यहाँ चीन बड़ी चालाकी से काम कर रहा है। उधर हमारा पड़ोसी मुल्क जो कभी दोस्त रहा ही नहीं, यानी कि पाकिस्तान, उसे चीन ये भरोसा देकर कि भारत की लड़ाई के खिलाफ हम तुम्हारे साथ हैं, उसकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंदरगाह बना रहा है पाकिस्तान में। और बाकी जो हमारे अच्छे पड़ोसी थे उसे दूर कर अपने पाले में श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक आज चीन के खेमे में चले गए हैं। सबसे बड़ा झटका नेपाल, ये बहुत गंभीर चोट है। हमारी विदेश नीति पे नेपाल आज चीन के साथ खड़ा भी है और उसकी बोली पे भारत को आंखें भी दिखा रहा है। अमेरिका से तो वो सीधी लड़ाई लड़ रहा है, आर्थिक तौर पर भी और जुबानी तौर पर भी, पर भारत से वो सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय उसके पड़ोसी मुल्कों को अपने पाले में करके भारत को एशिया में अलग थलग करने की योजना से काम कर रहा है, जिसे भारत पे वो हमेशा दबाव बना के रख सके और उसे एशिया और उसके अपने पड़ोसी देशों के मामले में उलझा के रखे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।